गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट रिवीज क्लास। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास वी फिनिश्ड अवर चैप्टर नंबर 6 कंप्लीटली रिवाइज। नाउ टुडे वी आर डूइंग अवर चैप्टर नंबर 7 सेफ्टी हैबिट्स। ओके, सो स्टार्ट अवर इंट्रोडक्शन। एस एफ ई टी वाई सेफ्टी, एम ई ए एन एस मीन्स टी ओ टू, बी ई पी, पी आर ओ टी ई सी टी प्रोटेक्ट, ए एन डी एंड, S A F E safe, F R O M from, A N Y any, H A R M harm. Safety means to be protect and safe from any harm. देखिए, safety मतलब होता है मतलब protect करना, आपको अपने आप को किसी भी दुर्घटना होने से अपने आप को सेफ करना, सुरक्षित रखना। Y O U C A N can, A V O I D avoid, A double C I D E N T S accidents, A N D and, S A F E safe, I F if, Y O U A R E R C A R E F U double L F U L careful, A double L all, T H E the, T I M E time. You can avoid accidents एंड सेफ इफ यू आर केयरफुल ऑल द टाइम। यदि आप हर समय केयरफुल रहेंगे तो आप दुर्घटनाओं को अवॉइड कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट अवर चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक इज एन डबल ई डी नीड ओ एफ ऑफ एस ए एफ ई टी वाई सेफ्टी, नीड ऑफ सेफ्टी। अब हमें सेफ्टी मीन्स होता है सुरक्षा की जरूरत क्यों होती है। एस ए एफ ई टी वाई सेफ्टी, M E A N S means S T Y I N G staying, A W A Y away, F R O M from, H A R M harm. Safety means सुरक्षा मतलब होता है अपने आप को किसी दुर्घटना से दूर रखना। Y O U S H O U L D should, B E B C A R E F U L careful, A double L all, T H E the, T I M E time. You should be careful all the time. और हर समय आपको careful रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। Y O U M U S T must, F O double L O follow, S O M E some, S A F E T Y safety, R U L S rules, T O 2 K double E P keep, Y O U R S E L V E S yourself, A N D and, O T H E R S others, S A F E safe. You must follow some safety rules, और आपको कुछ safety rules follow करने चाहिए to keep yourself and others safe, जिससे आप भी सुरक्षित रहें और दूसरे को भी सुरक्षित रखें। ओके, नाउ नेक्स्ट इज L double O के लुक, A T H T H E the, P I C T U R E picture, G I V E N given, B E L O W below, A N D N P U T put, A cross, I N in, T H E the, B O X box, W H E R E where, Y O U T H I N K think, T H E the, C H I L D child, M A Y may, G E T cat, H U R T hurt. Look at the picture given below. यहाँ पर जो picture दी गई है उसे देखिए, and put a cross, और जो box दिए गए हैं उनमें cross के sign लगाना है। In the box where you think the children may get hurt, और जब आपको लगे कि ये जो बच्चे हैं ये गलती कर रहे हैं, वहाँ पर आपको cross का sign लगाना है। okay? So first number is, देखिए अभी बच्चा road पर खेल रहा है car के सामने, तो ये सही कर रहा है स्टेट क्रॉस। ये बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, ये यहाँ दौड़ते हुए आ रहा है, तो ये सब तीनों क्रॉस है। और ये लोग सही चल रहे हैं, फुटपाथ लाइन बिल्कुल क्रॉस रोड पे नहीं चल रहे हैं, तो ये सही है। सो स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टैंड। इन नेक्स्ट क्लास वी आर डूइंग अवर नेक्स्ट रिवीजन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।